हाँ तो भैया चलते हैं अगले मंदिर की ओर, जो कि भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, दूल्हा देवी जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भैया यह हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। हम आपके लिए पार्ट 5 लेकर आ गए हैं। चलिए भैया भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो भैया ऐसा बताया जाता है इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, इस शिवलिंग के अंदर 1100 शिवलिंग है। तो भैया आइए देखते हैं, 1100 शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो भैया आप देख पा रहे होंगे शिवलिंग के ऊपर छोटी छोटी आकृतियों में बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। जैसा भैया बताया जाता है कि एक लाइन में 100 शिवलिंग है, इसी तरीके से 11 लाइन है जिसमें 1100 शिवलिंग है। तो भैया मंदिर की आकृति आप देख पा रहे हैं, मंदिर की आकृति बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य है। पीछे का ये पार्क का हिस्सा भी बहुत ही शानदार है। तो भैया चलते हैं अगले मंदिर की ओर। भैया अगले मंदिर में हम जा रहे हैं भगवान चतुर्भुज जी के मंदिर में। तो चलिए भैया भगवान चतुर्भुज जी का दर्शन करते हैं। तो भैया ऐसा बताया जाता है कि भगवान चतुर्भुज जी की मूर्ति में 3 भगवानों का वास है, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और भगवान कृष्ण जी का। तो चलिए भैया देखते हैं। तो भैया भगवान चतुर्भुज जी की जो मूर्ति स्थापित है, इस मूर्ति में भगवान का जो नीचे कमर से नीचे का हिस्सा है यह भगवान कृष्ण जी का है, सिर वाला जो हिस्सा है भगवान भोलेनाथ जी का है, बीच वाला जो हिस्सा है भगवान विष्णु जी का हिस्सा है। तो भैया आप देख पा रहे होंगे भगवान कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो इसी तरीके से खड़े होते हैं और इसी तरीके का श्रृंगार होता है इनका। भगवान विष्णु जी का जो हिस्सा है इसमें जनेऊ, भगवान विष्णु जी जनेऊ धारण किए हुए हैं। भगवान शिव जी के सिर के ऊपर गंगा मैया और गंधर्व किन्नर बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर आकृति स्थापित की गई है भैया। खजुराहो का यह इकलौता मंदिर है जिसका मुख दिशा के विपरीत है। तो भैया आप देख पा रहे होंगे मंदिर के द्वार पर एक तरफ गंगा मैया, दूसरी तरफ यमुना जी है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर के अंदर दर्शन करने से सभी भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पर सभी भगवानों की प्रतिमा स्थापित है, ऊपर की ओर नवग्रह स्थापित है। सभी भगवानों का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है, सभी पाप नष्ट होते हैं। तो भैया चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं हम आपको। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें।